क्लास 11। तो आज फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। बाकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है उनको आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे, और जो प्रश्न अगर आपको नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो हमने मोलरता, नॉर्मलता या द्रव्यमान प्रतिशतता, पीपीएम वगैरह के बारे में जो भी हमने पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, इक्षु शर्करा के 25% विलयन की 250 ग्राम मात्रा तैयार करने के लिए आवश्यक इक्षु शर्करा बता रहा हूं, जिसको हम कहते हैं, जिसे चीनी बनती है, सुक्रोज, गन्ने की शर्करा, और जल के द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कितना जल का द्रव्यमान की जरूरत होगी। हमने 25% सॉल्यूशन बनाना है केन शुगर का, ठीक है ना, और कितना बनाना है, 250 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान आपको पता है, देखिए सबसे पहले जो जो चीजें आपको पता है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान आपको पता है, विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है आपको, 250 ग्राम। द्रव्यमान प्रतिशतता आपको दी गई है, द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी है, 25% कहा गया ना। ये दो चीजें आपको दे रखी है, और आपने निकालना क्या है इसमें, जो द्रव्यमान जल का द्रव्यमान और जो केन शुगर है उसका द्रव्यमान निकालना है। तो हम सीधे सीधे द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र लगाते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता का जो सूत्र है जो हमने कल पढ़ा था, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है जिसका निकालना है। जैसे मैं अभी इक्षु शर्करा का निकाल रहा हूं, तो हम कहेंगे इक्षु शर्करा का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ये तो होता है ना। बस इक्षु शर्करा का द्रव्यमान आपको निकालना है। द्रव्यमान प्रतिशतता आपको सबसे पहले दे रखी है कितनी है, 25, तो हम द्रव्यमान प्रतिशतता की जगह 25 लिख देते हैं। उसके बराबर इक्षु शर्करा का द्रव्यमान आपको नहीं पता, इसको हम x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान आपको दिया है 250 गुणा 100, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, x बराबर जब निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा x बराबर 62.5 ग्राम। यानी कितना हमको केन शुगर का द्रव्यमान चाहिए, 62.5। अब हम जल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, पूरे विलयन का द्रव्यमान हमको पता है कितना है, 250 ग्राम, माइनस इसका द्रव्यमान आप घटा दोगे 62.5, तो ये आ जाएगा 187.5 ग्राम। तो ये आंसर निकल गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो किससे संबंधित है, पीपीएम से संबंधित है। अब सबसे पहले तो पीपीएम का सूत्र हम लिख लेते हैं, पीपीएम बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 10 की घात 6, कल हमने पढ़ा है। बस हमको पीपीएम किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। अब जैसे अगर मैं लिखता हूं पीपीएम ऑफ O2, ऑक्सीजन का पीपीएम में अगर हम सांद्रता निकालें तो हम क्या कहेंगे, O2 का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 10 की घात 6, यही तो होगा। बस O2 का द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो कितनी ऑक्सीजन घुली है, 6 गुणा 10 की घात 3 बट्टे कुल द्रव्यमान कितना है, देखो 1050 है ना, गुणा 10 की घात 6 में से 3 गया 3, तो ये हो गया आपका 6 गुणा 10 की घात 3 बट्टे 1050। अब 6 गुणा 10 की घात 3 का मतलब 6 के आगे 3 जीरो लगा सकते हैं हम, बट्टे 1050, जीरो से जीरो कट गया, 600 डिवाइडेड बाई 105 है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5.71 ppm, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये मोलरता से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको मोलरता का सूत्र लिख देना है, m बराबर क्या होता है, WA विलेय का भार
बट्टे विलेय का अणुभार गुणा 1000 बट्टे आयतन किसमें? मिलीलीटर में, है ना। अब सबसे पहले विलेय का भार कितना है, देखिए WA, विलेय क्या है NaOH, किसको घोला गया है NaOH को, कितना ग्राम है 4 ग्राम, तो विलेय का भार यानी WA कितना हो गया 4 ग्राम। विलेय का अणुभार MA, NaOH का अणुभार निकालो, देखो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का होता है आपका 16 धन 1, तो इसको लिखेंगे 40 हो जाएगा, MA हो गया ना। आयतन आपको दिया है कितना 500 ml, आयतन कितना दिया है 500 ml, तो सीधे फॉर्मूले में रखिए m बराबर WA 4 हो गया बट्टे MA कितना है 40 गुणा 1000 बट्टे 500, ये दो बार कट गया, ये 20 बार कट गया, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, तो मोलरता कितनी आ गई 0.2 मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 250 ग्राम जल में 36 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित हो। आपको मोललता निकालनी है, तो सबसे पहले मोललता का फॉर्मूला लेंगे हम, स्मॉल m बराबर क्या होता है WA अपॉन MA गुणा 1000 बट्टे WB, किसमें किलोग्राम में, सॉरी ग्राम में, हजार लग जाएगा तो किसमें हो जाएगा ग्राम में, ठीक है ना। WA क्या है विलेय का भार, MA क्या है विलेय का अणुभार, और WB क्या है विलायक का भार। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू लिखते हैं, देखिए WA, WA क्या है जिसको घोला गया है, ग्लूकोज को घोला गया है, तो 36 ग्राम WA, वैसे भी जो कम होगा वो WA होगा, ठीक है ना। MA, अब विलेय क्या था आपका ग्लूकोज, विलेय क्या था ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे MA, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, है ना, तो कार्बन के 6 परमाणु हैं तो 6 × 12 धन हाइड्रोजन के 12 हैं तो 1 × 12 धन ऑक्सीजन के 6 हैं तो 6 × 16, इसको जब आप गुणा करेंगे तो 180 ग्राम आएगा, यानी MA कितना हो गया 180 ग्राम। WB विलायक का भार, WB कितना दिया है देखो, कितने ग्राम जल में घोला गया है 250 ग्राम, बस आपको सारी वैल्यू मिल गई, आप इनको रख लो मान में, देखो स्मॉल m बराबर WA कितना है 36 ग्राम, MA कितना है 180 ग्राम, है ना, इंटू 1000 अपॉन WB कितना है 250 ग्राम। देखो मैं इसको सीधे सीधे काट देता हूं, 25 चक्को 100 कट गया ना, और 2 × 4 दो से काट रहे दोनों में 18 90, ठीक है ना। तो ये हो गया 36 × 2 / 90, जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मोलरता आएगी ये आएगी 0.8 मोल पर किलोग्राम, ये इसकी मोलरता आ जाएगी, ठीक है ना। लास्ट हम नॉर्मलता पे आते हैं, देखिए अब सबसे पहले नॉर्मलता निकालनी है आपको यहां, तो नॉर्मलता का सूत्र लिखना है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का इक्विवेलेंट मास जो होता है उसका तुल्यांकी द्रव्यमान गुणा 1000 बट्टे आयतन किसमें, यहां पर मिलीलीटर में होगा, जब आयतन मिलीलीटर में दिया हो तो 1000 से मल्टीप्लाई हम ऊपर डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है देखो, सबसे पहले आपको WA विलेय का भार देखना है, विलेय क्या है ऑक्जेलिक अम्ल, उसका भार कितना है 3.15 ग्राम हो गया ना। अब आयतन भी आपको दिया होगा, देखो कितना बनाया गया है 250 मिलीलीटर, आयतन कितना है 250 मिलीलीटर। अब आपको देखो WA मिल गया, आयतन मिल गया, क्या चाहिए आपको EA, आपको तुल्यांकी द्रव्यमान चाहिए, किसका ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड का। तो कैसे निकालते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान, क्योंकि अम्ल है, अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं अम्ल का, कल बता रखा है अम्ल का मोलर द्रव्यमान, अम्ल का मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय प्रतिस्थापनीय एच पॉजिटिव, प्रतिस्थापनीय एच पॉजिटिव आयन। अब आप देखिए आपके पास ऑक्जेलिक अम्ल है, देखो COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2O, अभी आपको याद रखना पड़ेगा जब इसको विभाजित करते हैं तो ये कैसे टूटता है, देखो COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव
प्लस ट्वाइस एच पॉजिटिव। अगर हमें जल को छोड़ भी दें तो ये दोनों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाते हैं। देखो यानी एच पॉजिटिव आयनों की संख्या कितनी है, दो, तो डिवाइडेड कितना हो गया, टू। अब अम्ल का मोलर द्रव्यमान, ऑक्सैलिक अम्ल का जब मोलर द्रव्यमान निकालोगे वो आएगा 126। तो इसको दो से गुणा भाग दे दो, दो छक्का 12, दो तीन 6, यानी इसका जो तुल्यांकी द्रव्यमान आएगा किसका, जो आपका ऑक्सैलिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान आएगा आपका कितना, 63। तो ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ गया आपका, 63 आया ना। ग्राम इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं इसको, हम कहते हैं ग्राम पर इक्विवेलेंट, ग्राम प्रति तुल्यांक, ठीक हो गया ना। अब आपको सारी चीजें मिल गई, देखो ईए भी मिल गया, बस नॉर्मलता के फॉर्मूले में रख लो। नॉर्मलता बराबर देखो क्या है, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए कितना है 3.15 बट्टे ईए हमको पता है कितना है 63 गुणा 1000 बट्टे आयतन कितना है 250, है ना। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी जो मोलरता आएगी, ये नॉर्मलता जो आएगी वो आएगी 0.2 N, ठीक है ना। तो ये कुछ 5 प्रश्न मैंने आपको हल कराए, ध्यान से सुनना। बाकी आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो एक समान प्रकार के हैं, लगभग जैसे माना हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन एक ही प्रकार के हों, तो उसमें से कोई एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है आपके अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो आप एनसीईआरटी की बुक उठाना, उसकी एक्सरसाइज देखना, उसकी एक्सरसाइज में जो प्रश्न आपको दिखेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, जो अलग अलग प्रश्न है वो सॉल्व करने हैं। कहीं किसी प्रश्न में अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग उससे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।